नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ट्विटर पर बड़े बड़े दिग्गजों का ट्विटर अकाउंट अचानक बंद हो गया और बिटकॉइन के मांग करने वाला ट्वीट करने लगा। जब पूरा मामला सामने आया तो पता लगा कि ये अब तक की सबसे बड़ी ट्विटर हैकिंग हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेज़न के CEO जेफ बोनोस, अरबपति कारोबारी एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स जैसे IT दिग्गज राजनेता, कारोबारी और प्रमुख कंपनियों पर पड़ी ये मार बहुत बड़ी हैकिंग है। इनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। इसे स्पष्ट रूप से बिटकॉइन स्कैम माना जा रहा है और हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया, आप बिटकॉइन के जरिए पैसा भेजिए और हम आपको दोगुना पैसा देंगे। इसके अलावा ट्वीट में ये भी लिखा गया है कि अब वक्त आ गया है कि हमने समाज में जो कमाया है उसे वापस लौटाएं। बिटकॉइन स्कैम हैकिंग की घटना सामने आने के बाद सैकड़ों लोगों ने हैकर के जाल में फंसने के बाद $1,00,000 से अधिक की रकम भेज दी। प्रमुख हस्तियों के ट्विटर हैकिंग की शिकायत के बाद कंपनी ने सफाई दी। उसने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और इसी सिलसिले में जल्द ही बयान जारी किया जाएगा। उसने कहा कि घटना की जांच होने तक पासवर्ड रीसेट और ट्वीट भी नहीं किए जा सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।